दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीवी इंडस्ट्री और परिवार में काफी गहरा नाता है। बिना किसी रिश्ते और परिवार के कोई कहानी या कोई टीवी शो इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक शख्स परिवार रिश्तों से ही बंधा होता है, जिससे हमारे टीवी इंडस्ट्री के सितारे भी परे नहीं है। इसलिए उन्हें अक्सर ही अपने परिवार के साथ बेहद खूबसूरत बॉन्ड करते देखा जाता है, जिसमें वो अपने परिवार की हर एक बात को सिर आंखों पर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में मायूस दिखने वाले ऐसे भी सितारे हैं जिन्होंने भले ही पर्दे पर एक आदर्श किरदार निभाया हो, पर असल में वो सितारे अपने करियर के लिए परिवार का दिल भी दुखा चुके हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 सितारों के बारे में जिन्होंने अपने करियर में से और परिवार में से अपने करियर को चुना है। नंबर 1, कृतिका सेंगर। अगर आज आपसे कोई टीवी इंडस्ट्री की सबसे मासूम और सीधी साधी दिखने वाली अभिनेत्री के बारे में पूछे तो आपकी जुबान पर अभिनेत्री कृतिका सेंगर का नाम ही आएगा, जिन्होंने पर्दे पर हमेशा ही काफी सीधे साधे और मासूमियत भरे किरदारों को निभाया। वहीं असल जिंदगी में भी इनका यही किरदार दर्शकों के जहन में बसा हुआ है। लेकिन सीधे साधे और मासूम दिखने वाले कृतिका सेंगर भी अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर अपने करियर को चुन चुकी है। जी हाँ, इनके माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि ये एक्टिंग दुनिया में आए। वह इनके रिश्तेदारों ने भी इनके परिवार वालों को काफी ताने देने शुरू कर दिए, पर बावजूद इसके इन्होंने उनसे दूर जाकर अपने करियर को चुना। नंबर 2, करण पटेल। यह मोहब्बती शो में रमन भल्ला की भूमिका निभाकर मशहूर होने वाले अभिनेता करण पटेल भी हमारे इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि करण पटेल एक काफी अच्छे बिजनेस क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिसके चलते इनकी फैमिली भी यही चाहती थी कि ये अपने फैमिली बिजनेस को संभाले। लेकिन इन्होंने अपने परिवार और करियर में किसी एक को चुना और ये करियर के साथ आ गए और आज ही किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। नंबर 3, हिना खान। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में आज कोई अभिनेत्री सीधे साधे किरदारों के साथ साथ नेगेटिव किरदार में खुद को बखूबी ढालती है तो वो अभिनेत्री है हिना खान, जो आज टॉप लिस्टेड अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिना खान अपने इस करियर में इस जगह आसानी से नहीं पहुंच पाई, बल्कि इसके लिए इन्हें अपने परिवार और करियर से सिर्फ अपने करियर को चुनना पड़ा। जी हाँ, इन्होंने अपने परिवार को तवज्जो नहीं दी और करियर के पीछे भागकर आज ये सफल मुकाम पर पहुंच पाई है। नंबर 4, शिवांगी जोशी। उत्तराखंड के छोटी सी जगह से आने वाली शिवांगी जोशी ने भी कभी नहीं सोचा था कि इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक बनेंगी, पर ये कभी न सोचने वाला ख्वाब भी भगवान ने आज पूरा कर दिया। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी एक अभिनेत्री तो बनना चाहती थी, पर इनकी फैमिली में से किसी भी ने भी इंडस्ट्री में कदम रखने का नहीं सोचा। साथ ही इनका भी रंग उस समय काफी ज्यादा सांवला था, जिसके चलते इनके परिवार वालों को लगता था कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे, पर इनकी किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में सबसे अच्छा किरदार निभाने का मौका मिला। नंबर 5, शहबान अजीम। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है वर्तमान में टीवी के शो तो सहर राब्ता में नजर आ रहे अभिनेता शहबान अजीम का, जो इंडस्ट्री के सबसे चहेते अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, पर इन्होंने भी अपने परिवार और करियर में से सिर्फ करियर को चुना और आज जिस जगह पहुंचे। आपको बता दें कि इंडस्ट्री में आने से पहले शहबान अजीम की काफी अच्छी बॉन्डिंग जॉब को लेकर हुआ करती थी, पर जॉब नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अनुपमा का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। दोस्तों, इन सितारों के डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।